हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। सो दोस्तों, आप सभी वेटिंग टिकट के बारे में तो जानते ही हैं कि वेटिंग टिकट क्या होता है, लेकिन आप लोग ये नहीं जानते हैं कि रेलवे में कौन सा वेटिंग लिस्ट टिकट बुक करना चाहिए, कौन सा नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जैसा तैसा वेटिंग लिस्ट बुक कर लेते हैं। जैसे मान के चलिए वेटिंग लिस्ट टिकट जैसे रेलवे में जो होता है, GNWL, PQWL, RLWL, TQWL, RSWL, जो भी वेटिंग लिस्ट टिकट होता है, इन सभी का एक सिस्टम होता है। उसी सिस्टम के हिसाब से ये टिकटें कंफर्म होती है। जैसे कि मैं आप सभी को बता दूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन सभी के बारे में जानते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं भी जानते हैं, जिसके कारण उन लोगों को कोई भी प्रकार का अगर वेटिंग लिस्ट टिकट मिलता है, चाहे वो RLWL हो या PQWL है या GN, कोई भी वेटिंग लिस्ट ये लोग ले लेते हैं, वो ऑनलाइन हो या खिड़की पर जाके हो। तो मैं आप सभी को बता दूं कि कौन सा वेटिंग लिस्ट टिकट लेना चाहिए, कौन सा नहीं, कौन सा वेटिंग लिस्ट टिकट कंफर्म होगा, कौन सा नहीं। तो मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोग को पता होगा कि रेलवे में 4 से 5 प्रकार का वेटिंग लिस्ट टिकट होता है। जैसे कि RAC, तो सभी जानते हैं कि RAC टिकट अगर आपको मिल गया तो वो 100% कंफर्म होना ही है, वो आधा सीट दे या फुल सीट दे, लेकिन कंफर्म होगा ही। जैसे कि मैं आप सभी को बता दूं, GNWL मतलब जनरल वेटिंग लिस्ट जो है, ये वेटिंग लिस्ट जो टिकट है ये बहुत जल्दी कंफर्म होता है, बहुत फास्ट कंफर्म होता है। ये 100% आपको, मतलब एक लिमिट होता है टिकट कंफर्म होने का, तो इसमें चांस रहता है 50 से 60% चांस रहता है कि आपका GNWL 100% कंफर्म होगा ही होगा। और PQWL जो होता है, पूर्ण कोटा वेटिंग लिस्ट, ये GNWL के बाद आता है। ये टिकट भी कंफर्म होता है लेकिन GNWL के बाद होता है। RLWL मतलब रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट, ये जो होता है टिकट PQWL के बाद ये टिकट कंफर्म होता है। इसके बाद आता है TQWL, जो हमारा ट्रेन में सफ़र करने से एक दिन पहले जो हम लोग बनाते हैं, अगर कंफर्म टिकट नहीं मिलता है तो तत्काल में भी वेटिंग लिस्ट मिलता है, जो कि इसका कंफर्म होने का चांस बहुत ज़्यादा कम होता है, क्योंकि तत्काल वेटिंग लिस्ट ज़्यादा कन्फर्म नहीं होता। अगर बाई चांस एक दो वेटिंग लिस्ट है तो बाई चांस कभी कल कन्फर्म हो जाता है, नहीं तो नहीं होता। इसके अलावा एक और वेटिंग लिस्ट है जो सभी गाड़ियों में नहीं होती है, वो है RSWL, जो कि रोड साइड वेटिंग लिस्ट। ये सभी गाड़ियों में नहीं होता है, जो गाड़ियाँ दूर दूर तक जाती हैं उन गाड़ियों में नहीं होता है। जो गाड़ियों 10 घंटा 8 घंटा का जो सफ़र तय करती है, उन गाड़ियों में ये कोटा होता है RSWL, रोड साइड वेटिंग लिस्ट। मैं आप सभी को बता दूं कि GNWL, RLWL, PQWL जो भी टिकट है, ये किस तरह से बुकिंग होता है, जैसे कि मैं आपको दिखा दूं। जैसे कि एक ग्राफ में मैं आपको दिखा रहा हूं, हावड़ा न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस का ये जो चार्ट है, इसमें आपको दिखाया जा रहा है कि GNWL, PQWL, RLWL टिकट कैसे मिलता है। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, अगर आप हावड़ा से न्यू दिल्ली तक का टिकट लेते हैं तो आपको GNWL मिलेगा, जो कि इसका कन्फर्म होने का चांस ज़्यादा होता है। और इसके बाद जैसे कि मैं आपको बता दूं, और जिसे आप हावड़ा से पटना तक, जैसे कि ये जो राजधानी है ये पटना हो के जाती है, भाया पटना हो के जाती है, तो अगर आप हावड़ा से पटना तक लेते हैं या पटना से न्यू दिल्ली तक लेते हैं तो आपको PQWL मिलता है, जो कि GNWL के बाद कंफर्म होता है। और जैसे कि आप पटना से, जैसे कि आप नॉर्मल स्टेशन जैसे बोला जाए, तो जैसे कि पटना से मुगल सराय जैसे आप जा रहे हैं, या इलाहाबाद जा रहे हैं, या कानपुर जा रहे हैं, तो ये हो गया क्या कि बीच बीच का स्टेशन है, ज़्यादा दूर का स्टेशन नहीं है, तो ये सब टिकट जो है RLWL, रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट, ये सब कंफर्म होने का थोड़ा बहुत चांस कम होता है, हालांकि ये भी कंफर्म हो जाता है। सो आप भी इस तरह से समझ बूझ कर अगर आप टिकट करते हैं तो आपका टिकट कंफर्म होने का चांस ज़्यादा होता है। आप ज़्यादातर कोशिश करें कि GNWL टिकट ही बुकिंग करें, ताकि उसका कंफर्म होने का चांस ज़्यादा होता है। सो आई होप मैं आप सभी को इस वीडियो में वेटिंग लिस्ट टिकट के बारे में अच्छे से समझा पाया हूँ। अगर अच्छे से समझा पाए मेरा वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक पहुँच सके।